लॉकअप के फिनाले की बात करें तो यह माना जा रहा है कि एक सप्ताह के अंदर ही यह होने वाला है। बीते सप्ताह लॉकअप को शिवम शर्मा के रूप में अपना पहला फाइनलिस्ट मिल चुका है और अगले दो फाइनलिस्ट के रूप में मुनव्वर फारूकी और पायल रोहतगी का नाम बताया जा रहा है। टीवी अदाकारा देवीना बनर्जी बीते कुछ समय से लगातार सुर्खियों में बनी हुई है। दरअसल देवीना ने एक वीडियो शेयर किया है और इस वीडियो में वो अपनी बेटी को लोरी सुना रही है और उसे एक हाथ से पकड़े हुई है। फैंस को देवीना बनर्जी का यह अंदाज बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। फैंस का कहना है कि उनकी बेटी कोई खिलौना नहीं, उतनी लापरवाही करना देवीना बनर्जी के लिए ठीक नहीं है। सीरियल अनुपमा स्टार अनघा भोसले ने कुछ समय पहले ही एक्टिंग से ब्रेक ले लिया था। धर्म के खातिर अनघा ने स्टार प्लस का सुपरहिट धारावाहिक अनुपमा को अलविदा कह दिया था। इसी बीच अनघा भोसले एक बार फिर से लाइमलाइट में आ गई हैं। अनघा भोसले ने कुछ समय पहले ही अपनी लेटेस्ट तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की हैं। इन तस्वीरों में अनघा भोसले सन्यासिनी बनकर पोज दे रही हैं। विल स्मिथ पिछले दिनों ऑस्कर अवार्ड में कॉमेडियन क्रिस रॉक को थप्पड़ मारने के चलते चर्चा में आ गए थे। हाल ही में वो इंडिया आए और उन्होंने इस्कॉन मंदिर में जाकर दर्शन भी किए। वो पहले भी साल 2019 में इंडिया आ चुके हैं। साउथ के सुपरस्टार यश की अभी हाल ही में रिलीज हुई फिल्म KGF 2 बॉक्स ऑफिस पर जमकर कमाई कर रही है। अब तक इस फिल्म की कुल कमाई 907 करोड़ 30 लाख रुपए हो चुकी है। ऐसा माना जा रहा है कि इस हफ्ते भी यह फिल्म बड़े रिकॉर्ड तोड़ सकती है। इसी तरह की और भी लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए सब्सक्राइब करें मुंबई प्रेस और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।